यहाँ पर जनरल ओपीडी फीस सिर्फ 200 रुपए है, जिसके अंदर हम मेडिसिन भी देते हैं, और कंसल्टेंट फीस जो है 500 रुपए। वो कंसल्टेंट है कि जो मुख्तलिफ बड़े हॉस्पिटल में 2,000-1,500-1,800 रुपए फीस होती है। कितना आइडियली कितना परसेंट हो जाता है? कम से कम 12% तो मिल जाता है, मिनिमम 12% दे रहे हैं। ये कुछ टेस्ट एडवाइस किए थे और ये मेडिसिन एडवाइस की, सारा रिकॉर्ड हमारे पास कंप्यूटर में मौजूद है, और उसी 200 रुपए की फीस में मुझे यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ये आप देखिए, ये सारी दवाइयाँ हमारे पास मौजूद है और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसी 200 रुपए में देते हैं। मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि फीमेल्स का डिपार्ट बिल्कुल अलग हो और मेल का डिपार्ट बिल्कुल अलग हो, और यहाँ मुझे ये फैसिलिटीज़ मिल रही है तो मैं बड़ी खुशी से आ रहा हूँ। माशाल्लाह यहाँ की सहूलतें अच्छी है, डॉक्टर अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, सब पूरा सेटअप अलहदा है ना, ये अब आपको जो नज़र आ रहा है वो सारा मेल एरिया नज़र आ रहा है, बिल्कुल सेम इसी तरह का पैटर्न आपको फीमेल एरिया में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुछ तो है के साथ मैं उमरदा जुबान बेग। नाज़रीन ग्राम, अगर आप डॉक्टर्स की भारी फीसों से परेशान हैं और डॉक्टर्स जो महंगे महंगे टेस्ट लिख देते हैं उसकी वजह से बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों का तोड़ मेरे अकब में मौजूद है। जी हाँ, यह है मदनी हेल्थ केयर सेंटर, जिसे दावत इस्लामी रन कर रही है, और आपको बताते चलें कि इस हॉस्पिटल में बहुत ही लो रेट के ऊपर कंसल्टेंट भी देख रहे हैं, ओपीडीज भी हो रही हैं, टेस्ट भी किए जा रहे हैं। वहीं इस हॉस्पिटल की एक दूसरी चीज है जो इसे पाकिस्तान में मुमताज कर देती है, और वो ये है कि यहाँ पे खवातीन का सेक्शन बिल्कुल अलहदा और मर्दों का सेक्शन बिल्कुल अलहदा। तो जनाब, क्या क्या चीजें आपको लिए चलते हैं, अंदर के मनाजिर दिखाते हैं और देखते हैं कि भाई कितनी कम फीसेस में यहाँ पर लोगों को एंटरटेन किया जा रहा है। आइए हमारे साथ। ये बताइए कि टेस्ट वगैरह करवाने आए थे, ओपीडी के लिए आए थे? मैंने ओपीडी में चेक भी करवाना था और टेस्ट भी करवाना था। अच्छा, दोनों चीज़ें हो गई, पहला विजिट है या पहले भी आते रहे? मेरा फर्स्ट विजिट है यहाँ पर। फर्स्ट विजिट में मदनी हेल्थ केयर सेंटर ने मायूस किया या दिल मुतमईन हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, यहाँ बहुत अच्छी सर्विस है। मतलब ये है कि अच्छे हॉस्पिटल, जो अगर मैं नाम लेना चाहूँ, मतलब वही माहौल मिला है, वही सर्विस है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तीसरा विजिट है, डेंटिस्ट के डॉक्टर हैं, हम उनको दिखा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से रिस्पांस मिल रहा है। मैं अपनी मिसेस को लेकर आया हूँ, क्योंकि अक्सर हॉस्पिटल्स में ये देखा गया है कि वहाँ जेंट्स और फीमेल के बिल्कुल कम्बाइंड होते हैं, तो और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो ताल्लुक़ है वो शरई घराने से है, तो मैं ख़ुद भी ये चाहता हूँ कि फ़ीमेल्स का डिपार्ट बिल्कुल अलग हो और मेल का डिपार्ट बिल्कुल अलग हो, और यहाँ मुझे ये फैसिलिटीज़ मिल रही है तो मैं बड़ी खुशी से आ रहा हूँ। ये बताइए सर, आज पहली मरतबा आए या पहले भी आते रहे? आते रहे हम। आते रहे तो ज़्यादा ही पसंद आइए, लग रहा है अस्पताल इतना आ रहे हैं। माशाल्लाह यहाँ की सहूलतें अच्छी है, डॉक्टर अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ चेकअप वगैरह वो अच्छी तरह करते हैं और दवाएं वगैरह अच्छी देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी यानी कि सेहत मिली है, तंदुरुस्ती मिली है। जनाब मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमने इनसे कहा कि भाई आप हमें ज़रा विज़िट तो करवाएं, सारी चीज़ें हैं और बहुत जदीद टेक्नोलॉजी के साथ हैं और सारी सहूलियात हैं, लेकिन अंदर का माजरा क्या है ज़रा चल के तो हम देखें। तो अली भाई हमारे साथ होंगे। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अली भाई सबसे पहले तो ज़रा, ये रिसेप्शन आ गया हमारा। जी जी, ये हमारा सबसे पहले रिसेप्शन है, कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले वो इस रिसेप्शन को अप्रोच करता है और अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि उसने लैब टेस्ट कराना है, उसने किसी डॉक्टर को दिखाना है, तो वो यहाँ पर कांटेक्ट करता है। हमारे पास रिसेप्शन भी दो अलहदा अलहदा हैं, मेल के लिए मेल रिसेप्शनिस्ट है और फीमेल के लिए फीमेल रिसेप्शनिस्ट। ये अब आपको जो नज़र आ रहा है वो सारा मेल एरिया नज़र आ रहा है, बिल्कुल सेम इसी तरह का पैटर्न आपको फीमेल एरिया में मौजूद है। ये जो अलहदा कराने की बात आई, जाहिर सी बात है स्पेस बड़ी चाहिए, जगह बड़ी चाहिए, अमला दुगना रखना पड़ेगा उसके लिए ना, एक्सपेंस बढ़ता है, उसके पीछे रीज़न क्या था कि नहीं ये काम तो बस करना ही करना है? ये बेसिकली दावत इस्लामी का प्रोजेक्ट है और दावत इस्लामी ने पहले दिन से ये शऊर दिया है कि हम शरिया कंप्लायंस की जो है ना पासदारी करेंगे, हम हर तरह से 100% तौर पर इसको इंश्योर करेंगे कि हम शरिया कंप्लायंस के तहत काम करें। हमारे पास चूँकि सारा सिस्टम जो है वो सेपरेट है, नर्स सेपरेट है, फिलपॉटमिस्ट सेपरेट है, डॉक्टर सेपरेट है, तो उनको कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं होती ना, इवन कोई मेल जो है वो फीमेल एरिया में एक्सेस भी नहीं करता ना, तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल होती हैं। ये अब लेबोरेटरी नज़र आ रही है मुझे आपकी, इसके मुताल्लिक कुछ बताएं क्या क्या करवा रहे हैं सर, कितने टेस्ट करवा रहे हैं यहाँ पे इतनी छोटी सी जगह में? अच्छा, ये देखें बेसिकली ये तो हमारे फिलपॉटमिस्ट हैं जो जिनका काम सिर्फ ब्लड ड्रॉ करना है,
ठीक है ना, जो हमारी लैब है वो दूसरी लोकेशन पर है ना, तो ये जितने भी हमारे नेसेसरी टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, लैब टेस्ट जितने भी हैं, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीबीसी, डेंगी सब कर रहे हैं। जी जी सब कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ लैब टेस्ट कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए हमारे पास सेपरेट जगह है ना। सीबीसी करवाने जाएं तो तकरीबन 600-700 रुपए का है, और किसी अच्छी जगह चले जाएं तो उससे भी एक्सीड कर जाता है। सर कितने का कर रहे हैं आप लोग यहाँ? हम 290 का कर रहे हैं। सिर्फ 290? जी जी, और इसी में शामिल सारी चीज़ें, और ये भी अभी चूंकि थोड़ा सा इन्फ्लेशन हुआ है तो थोड़े से रेट बढ़ाएं, इससे पहले हम और कम में कर रहे थे। हमारी कोशिश बेसिकली यही है कि हम जितना भी बेनिफिट है वो आवाम तक शिफ्ट करना चाहता है। जी जी ठीक है, तो सर आगे चलते हैं थोड़ा, आपकी जो फार्मेसी वगैरह है वो भी विजिट करते हैं। फैमिली फिजिशियन क्लिनिक का बोर्ड तो मुझे नज़र आ गया है। अच्छा, ये बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसके वाइटल्स चेक करते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर कैसा है, उसकी वेट कितना है, और इस तरह की नॉर्मल चीज़ें जो रूटीन की होती हैं वो चेकअप होती हैं। तो यहाँ अगर आप बैठ जाएं तो यहाँ आपको नज़र आएगा ये एक कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा आपका हार्ट बीट चेक करता है। मतलब कैमरे के थ्रू हार्ट बीट मेरी पीसी पे आ जाएगी? इस पे आ जाएगी। अच्छा भाई, बैठ के देखते हैं। 68 का मतलब है नॉर्मल चल रहा है? जी नॉर्मल चल रहा है, और जब ये सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है तो उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो यही सिस्टम उसको नजर आएगा। इन्हें आपने पेपर भरने से आजाद कर दिया? ये पेपर लेस काम हो रहा है हमारा सारा। अच्छा भाई, अब हम डॉक्टर साहब के पास भी आ गए हैं, जो रूम बना हुआ है वो भी आप देख रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई डिफरेंस आप देखते हैं मदनी हेल्थ केयर सेंटर में और कहीं और, अगर आप ओपीडी करते हो तो वहाँ पे? जाहिर सी बात है, एक मैनेजमेंट का भी एक डिफरेंस नजर आता है, उसकी नीयत नजर आती है। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? मैं 15-16 ईयर से पाकिस्तान से बाहर था, ठीक है। मैं पाकिस्तान से जब वापस आया ना, मुझे मतलब आए हुए तकरीबन 5-6 महीने हो चुके थे, मुझे वो स्टैंडर्ड कहीं नहीं मिल रहा था जिस स्टैंडर्ड में मैं काम करके आया था। फिर मुझे यहाँ पर मदनी हेल्थ केयर सेंटर का एडवर्टाइजमेंट आया, यहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिया, मुझे सेम वही स्टैंडर्ड मिला जो मुझे बाहर मिला। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो जो पेशेंट्स आते जाते हैं उन पेशेंट्स का सारा रिकॉर्ड उनके पास आ जाता है। जैसे अभी हमने पीछे बात की कि हमने वाइटल्स चेक किए, तो यहाँ पर वाइटल्स किसी को खोलें, काशिफ साहब की, इनकी वाइटल्स वगैरह जो थी वो आ गई, और इसी तरह से जो जो इनका रिकॉर्ड है वो सारा का सारा आता जाएगा ना। इनका पिछला रिकॉर्ड सारा हम खोल रहे हैं, देखें। ये 18 अगस्त को आए थे हमारे पास, जब हमने इन्हें ये कुछ टेस्ट एडवाइस किए थे और ये मेडिसिन एडवाइस की, सारा रिकॉर्ड हमारे पास कंप्यूटर में मौजूद है। पहले जो वो सिलसिला होता था कि भाई वो इतने सारे पेपर लेके डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और अगर क्लिनिक चले जाए तो कहते हैं भाई परसों की पर्ची है फला नंबर की, तो उससे छुटकारा मिली है। जी बिल्कुल, पेपर सिर्फ एक कंडीशन में यूज हो रहा है कि जी वो मेडिसिन जो यहाँ अवेलेबल नहीं है तो फिर प्रिस्क्रिप्शन हम बनाते हैं, अदरवाइज प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं होती, पेशेंट वहाँ जाता है वहाँ से अपनी मेडिसिन ले लेते हैं। ठीक है अली भाई, आगे चलते हैं। ये सारे कंसल्टेंट के चैम्बर्स हैं, तो जो अपने अपने वक्त के मुताबिक आते हैं, और अगर आप देखेंगे तो हर चैम्बर को में यूनिकनेस आपको नज़र आएगी, यानी कि एक ही तरह की चीज़ें, एक ही तरह की डेकोरेशन, हर तरह से कोई डिफरेंशिएशन नहीं है ना। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा कि गायनी का जो इशू है, ये मार्केट बन गई है गायनी, लोगों को जो चीज़ें हैं मुझसे बेहतर आप जानते हैं, तो गायनी से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं अभी तक? अच्छा, गायनी के वैसे स्पेशलिस्ट हमारे पास काफ़ी सारे मौजूद हैं, और वो बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, हमें फैसिलिटेट भी करते हैं हेल्थ केयर को भी और इनके पेशेंट्स को भी, लेकिन हमारा अपना सेटअप फिलहाल नहीं है, उनके थ्रू हम कुछ ना कुछ फैसिलिटेशन करवा देते हैं। अच्छा, जो डेंटिस्ट का मामला है जी, वो तो एक अच्छी खासी रकम उस पर खर्च होती है, तो उसका क्या सिलसिला है? अच्छा, डेंटिस्ट जो है वो हमारे पास अगेन मेल फीमेल अलग अलग टाइमिंग में मौजूद है। फीमेल्स के लिए हमने सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक अवेलेबिलिटी है, और मेल जो है वो 6 बजे से रात 11 बजे तक अवेलेबिलिटी। अगर अभी हम देखना चाहें तो हम नहीं देख सकते? आप नहीं देख सकते, और बहुत कम प्राइसेस में, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि 1/3 है तो ये भी मुनासिब होगा कहना। 1/3 है? जी 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 बिल्कुल। सर मैं अब चाहता हूँ कि आखिर में, अच्छा ये सामने ख्वातीन का एरिया है, तो हम लास्ट में हम आपकी फार्मेसी विजिट करते हैं इंशाल्लाह, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंडोर फार्मेसी? अच्छा आउटडोर अलग है? जी आउटडोर अलग है, वो पीछे की तरफ है, बाहर की तरफ पर क्या दोनों?
इंडोर बेसिकली वो फार्मेसी है जो हमने नेसेसरी मेडिसिन देनी है ना किसी भी पेशेंट को, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो हमारी इंडोर फार्मेसी देती है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और रिकमेंडेशन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स करते हैं या किसी और वजह से, तो वो आउटडोर फार्मेसी हमारी करती है। मैं अगर दिखाता हूँ तो पहले मेरा हार्ट बीट, वेट, बीपी सब होगा, उसके बाद मैं डॉक्टर को भी दिखाऊंगा और उसी 200 रुपये की फीस में मुझे यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। या आप देखिए, ये सारी दवाइयाँ हमारे पास मौजूद है और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसी 200 रुपये में देते हैं। उसी 200 रुपये में। अच्छा, जो आपकी आउटडोर फार्मेसी है सर, दवाएं बड़ी महंगी हैं, इंजेक्शन बड़े महंगे हैं, वो भी डिस्काउंटेड है? जी जी बिल्कुल, वो भी डिस्काउंटेड है। कितना आइडियली कितना परसेंट हो जाता है? कम से कम 12% तो मिल जाता है। मिनिमम 12% दे रहे हैं। जितना लोग उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, डेफिनेटली लोग आए और उससे इस्तेफादा हासिल करें। आफताब गनी साहब जो कि इस हॉस्पिटल में बतौर एडमिनिस्ट्रेटर अपने फरायद अंजाम दे रहे हैं, तो उनसे कुछ बात करते हैं अस्पताल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या मैक्सिमम ओपीडी की फीस क्या ले रहे हैं आप लोग यहाँ पर? जनरल ओपीडी फीस सिर्फ 200 रुपये है, जिसके अंदर हम मेडिसिन भी देते हैं, और कंसल्टेंट फीस जो है 500 रुपये। वो कंसल्टेंट हैं कि जो मुख्तलिफ बड़े हॉस्पिटल में 2,000, 1,500, 1,800 रुपये फीस होती हैं, वो सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे यहाँ अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग काफ़ी मुतमईन हैं। और जहाँ तक के लेबॉर्ट्री की बात करूँ, तो लेबॉर्ट्री के अंदर तकरीबन मार्केट से 50% डिस्काउंट पर यहाँ पर टेस्ट होता है तमाम चीज़ों पर, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो लैब हो, चाहे वो इको हो, चाहे वो ECG हो, चाहे वो अपना अल्ट्रासाउंड हो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने तो बताया कि स्पेशलिस्ट की फीस 500 और OPD 200, तो कोई तो होगा ऐसा जिसकी 1,000 रुपये भी ले रहे होंगे आप लोग? नहीं, ऐसा किसी ने, सबकी यानी कि यूनिफॉर्मिटी है। अब सारे स्पेशलिटी, चाहे जिसके अंदर हमारे प्रोफेसर भी हैं और सारे हमारे FCPS डॉक्टर हैं, उनकी सबकी फीस, तमाम शोबे के जो कंसल्टेंट हैं उनकी फीस हमने यूनिफॉर्मिटी रखा है 500 रुपये। किसी के कंपेयर नहीं कहे कि भाई 1,000 रुपये या 1,500, ऐसा किसी के नहीं। 500 और 200, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। नाज़रीन इकराम, हम मौजूद थे मदनी हेल्थ केयर सेंटर में, जो कि फेडरल बी एरिया में कायम किया गया है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि जो अंदर का निज़ाम है, जो तरीक़ाकार है, जो नफासत है, जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, जो लेबॉर्टरी का सिलसिला है, सारी चीज़ें नहायत मुतासर कौन है और बहुत जदीद तरीक़ों पर इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। 200 रुपये में OPD और सिर्फ 500 रुपये में आप किसी भी स्पेशलिस्ट को चेकअप करवा सकते हैं। यकीनन दावत इस्लामी का ये काम नहायत काबिल तहसीन है और हम दुआ गोएं कि सिलसिला इसी तरह जारी रहे। प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइए। मिर्ज़ा सुबान बेग को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।